या कोई चीज दूसरे के ज़िम्मे हो तो उसे पूरा पूरा अदा एक इंसान के पास किसी ने रुपया पैसे अमानत रख दिया है इसे पूरा पूरा वापस करना भी ईमानदारी है इस तरह अगर एक इंसान से किसी दूसरे इंसान ने कोई राज की बात कही तो उस बात को दूसरों पर जाहिर ना करना ताकि उसका राज, राज ही रहे ये भी ईमानदारी है मशवरा तलब होने पर सही मशवरा भी देना भी ईमानदारी में शामिल है अगर कोई इंसान किसी जगह पर मुलाजमत करता है तो उसका अपने फर्ज को पूरी तरह जिम्मेदारी से अंजाम देना भी ईमानदारी है ईमानदारी की फजीलत कुरान मजीद और सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमानदारी की बहुत ताकीद की गई है और मुसलमानों को अपने सब काम ईमानदारी से अंजाम देने का हुक्म दिया गया है अल्लाह ताला का इरशाद है तर्जमा खुदा तुमको हुक्म देता है कि इमानत वालों की मानते इनके हवाले कर दिया करो और ये आयत नंबर फिफ्टी एट है सोरे नसा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी की बहुत ज़्यादा ताक़द की की है हज़रत आंस बिन मालिक रजील तौला रवायत से रवायत है रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमान अलीमन ला मन तहा लाहू वाला दीन अलीमन लाहद लाहू जिसमें इमानत ईमानत नहीं इसका कोई ईमान नहीं और जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं नबी करीम अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी मुकम्म ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल है वसल्लम ने अपने कारोबार और लेन देन में ईमानदारी की बेहतरीन मिसालें कायम की मका वालों ने आपको अमीन का लकअब दे रखा था और काफिल भी अपनी ईमानते आपके पास रखाते थे, थे जब आपको अपनी नम्ला की तरफ इज़्ज़त करने का हुक्म हुआ तो आप ईमानदारी के, के फायदे और अहमियत ईमानदार इंसान की हर कोई इज्जत करता है ईमानदार इंसान पर हर कोई एतम करता है ईमानदार इंसान को हर कोई मशुरा मशा करने के लिए तरजीह देता है ईमानदार इंसान का दिल मतम होता है और कहीं से और इसे कहीं से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता ईमानदार इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा करता है ईमानदार इंसान कारोबार में ना तो लालच करता है ना ही नुकसान पर मायूस होता है ईमानदार इंसान लेन देन में कभी धोखा नहीं करता ईमानदार इंसान किसी की हक तलफी नहीं करता पुरस्कून मतम और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए हमें भी घर और बाहर हर मामले में ईमानदारी अख्तियार करनी चाहिए इस तरह हम आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे उसके अलावा जो आपने आज करनी है वर्कशीट नंबर तेरह है टिक का निशान लगाना है ईमानदार इंसान भरोसा करता है रिश्तेदारों पर हमसायों पर दोस्तों पर अल्लाह ताला पर और इसका दुरुस्त जवाब है दाल ऑप्शन दाल को आपने टिक करना है अल्लाह ताला पर ईमानदार इंसान किसी की दाश नहीं कर पाता दिल आजारी हक तल्फ़ी बेजती हुक्म अदली और इसका जवाब है हक तल्फी ऑप्शन बे को आपने टिक करना है ईमानदारी का लफ्ज़ी मायने क्या है दयान मायना रवि रवादारी दारी गुज़र और इसका दुरुस्त आंसर है दयानत ऑप्शन अलिफ़ को आपने टिक करना है हर इंसान एतमाद करता है दयानत पर रयाकार पर इज्जतदार पर ईमानदार पर और इसका करेक्ट आंसर है ईमानदार पर ऑप्शन दाल को आपने टिक करना है जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका क्या नहीं दीन ईमान मजहब यकीन दीन ऑप्शन अरिफ को आपने टिक करना है वालों ने आप सलम को लकब दे रखा था अमीन का रहीम का सदी का शफीक का ऑप्शन अलिफ को आपने टिक करना है अमीन का ईमानदार कैसी जिंदगी को तरजीह देता है सादा आरामदेहत वाली आसाद ऑप्शन अलिफ को आपने टिक करना है सादा मुशरे में बाजत मुकाम हासिल करने के लिए इंसान का होना जरूरी है फजूल खर्च ईमानदार बदियानत मालदार और इसका करेक्ट आंसर है ईमानदार ऑप्शन बी को आपने टिक करना है फिर से देखें ईमानदार इंसान भरोसा करता है किस पर अल्लाह ताला पर ईमानदार इंसान किसी की दाइश नहीं करता हक तल्फी ईमानदार का लफ्ज़ी मायने क्या है दयानदारी हर इंसान एतमद करता है ईमानदार पर जो वादे की पाबंदी नहीं करता उसका दीन नहीं मक़ा वालों ने आप को लकब दे रखा था अमीन का ईमानदार कैसे जिंदगी को तरजीह देता है सादा मुआरे में बाज़त मुकाम हासिल करने के लिए इंसान का होना ज़रूरी है ईमानदार ठीक है बच्चों ये एम सी क्यूज जो है ये आपने कम्प्लीट करने हैं इन्हें राइट करना है और याद करना है यह आपका आज का होमवर्क है और उसके साथ आपका जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है सब बच्चे अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाफि